8 अरब का कर्ज, बिजली और गैस की मद में गर्दिशी कर्जे, कांटों भरे चैलेंजेस का मुकाबला करना है और करके दिखाएंगे। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से अपने पहले खिताब में कई ऐलानात किए। कहा, नई हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसीज के समरात 1 साल में आना शुरू होंगे। सीपैक को मजीद आगे बढ़ाने और IT बरामदात को रूस पर पहुंचाने का ऐलान किया। यकीन दिलाया कि सब्सिडी बरह रास्त किसान को जाएगी। दहशत गर्दी को भी जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। चैलेंजेस हैं जो कांटे की तरह पूरी कौम को चुभ रहे हैं। सिर्फ इंटरेस्ट सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी 8000 अरब है। कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज। हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निजाम में इनकलाबी तब्दीलियां लानी हैं। कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा कीमतों में इजाफा है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूँ। गैस का गर्दशी कर्जा वो 2900 अरब रुपए पे पहुंच गया है। बलोचिस्तान की महरूमी का मुकम्मल इदराक, उनकी नाराजगियाँ जायज भी हैं, कुछ जो भी हैं हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। लापता अफराद के मसले को ख़त्म किए बगैर, मिसिंग पर्सन्स के मसले को हल किए बगैर, मुनसफाना तौर पर बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। हम बलूचिस्तान के ज़ुल्मा के साथ बैठेंगे और खुले दिल के साथ हम बात करेंगे। अगर आज हम मौजों के मुंतजर हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि मौजे या जादू टूने किसी काम नहीं आते जब तक के इंसानी हाथों से वो रूनमा होते हैं। मेहनती हाथों से ये और तकदीरें बदलती हैं। हाथ ही दुआ है, हाथ ही दवा है, हाथ ही शफा है। इन्हीं हाथों से हम पहाड़ों को काट कर रास्ता बना सकते हैं और इन्हीं हाथों से हम मौजों का मुकाबला करके दरिया अबूर कर सकते हैं।